रहीम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेक्चर हमने स्टार्ट कर रही थी पर ईटा और चैप्टर नंबर 16 जो है वो हम पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी हमें पता है कि वो रिएक्शन होता है जिसमें एक फॉरेन एटम्स आकर एक रिएक्टेंट पर अटैक कर लेता है और प्रोडक्ट में ये जो अटैक वाला एलिमेंट होता है वो वहाँ पर अपने आप को फिक्स कर लेता है और किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर लेता है। सपोज़ हमारे पास ये एक मीथेन है, अब इसी मीथेन पर एक बार से एक एटम यानी X2 हमला कर लेता है या अटैक कर लेता है तो क्या हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इसको रिप्लेस कर लेता है और ख़ुद यहाँ पर अटैच हो जाता है। सो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर ये जो एलिमेंट है, अब यहाँ पर जो एलिमेंट अटैच हुआ है, अगर सपोज़ हमारे पास ये एक प्री रेडिकल है, सपोज़ इन दिस केस अगर हमारे पास है ये है प्री रेडिकल, सो उस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेन एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फ्लोरिनेशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन, यानी मीथेन और ईथेन में क्लोरीन आकर अपने आप को फिक्स कर लेता है और मीथेन या ईथेन पर हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाता है। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन पहले होने से पहले या ये रिएक्शन जो इनिशिएट होता है उसमें कौन सा एटम काम करते हैं, वो हमारे पास है क्लोरीन। सो क्लोरीन विद इलेक्ट्रॉन, सो इट इज हमारे पास हो गया फ्री रेडिकल। सो ये क्लोरीन रिएक्शन कर लेता है, सो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अगर ईटा में आ जाए कि व्हाट एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज, दिस इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एंड क्लोरीनेशन ऑफ ईथेन, बोथ आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, बोथ आर एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये दोनों याद रखें। अब क्लोरीनेशन ऑफ ईथेन में, मीथेन में हमारे पास जो स्ट्रिप्स है उसको आसानी के लिए हमने स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है। सो स्ट्रिप नंबर फर्स्ट, अब स्ट्रिप नंबर फर्स्ट से पहले जो हमारे पास एक और रिएक्शन होता है, सब ओवरऑल रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास CH4 पर Cl2 रिएक्शन कर लेता है और हमारे पास बन जाता है CH3Cl+HCl, ये हमारे पास है ओवरऑल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन स्ट्रिप्स में अकर होता है। फर्स्ट स्ट्रिप हमारे पास क्या है, जो इनिशियल स्ट्रिप्स होता है इस क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं। सो ये रेज याद रखें कि दीज आर अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज में हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स क्लोरीन बनते हैं। सो ये जो क्लोरीन था ये हमारे पास इस तरह का 2 मॉलिक्यूल अटैच थे, अब अल्ट्रावायलेट रेज इन दोनों बाउंड को तोड़ते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ, इसी वजह से हमारे पास 2Cl फ्री रेडिकल बन जाते हैं। सो दिस वाज स्टेप नंबर फर्स्ट कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो है प्रोपेगेशन स्टेप, स्टेप नंबर 2। सो स्टेप 2 में क्या हो जाता है, स्टेप 2 में ये Cl जो फ्री रेडिकल है हमारे पास, ये एक मीथेन पर अटैक कर लेता है तो हमारे पास बन जाता है CH3 फ्री रेडिकल और एक हाइड्रोजन इस CLC रिएक्शन कर लेता है। सो हमारे पास ये एक CH4 मीथेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सो ये हमारे पास एक अनदर फ्री रेडिकल बन गया। अब ये मिथाइल जो फ्री रेडिकल बना है ये हमारे पास फर्दर रिएक्ट कर लेता है विद अनदर Cl2 मॉलिक्यूल लाइक दिस। सो जब ये Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है तो हमारे पास बन जाता है CH3 और ये एक Cl यहाँ पर अटैच हो जाता है और एक Cl अकेले रह जाता है विद इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास बन गया एक फ्री रेडिकल। सो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को हम कंपेयर कर लें उससे तो ये हमारे पास वहाँ का प्रोडक्ट है और ये हमारे पास HCl जो है वो भी हमारे पास प्रोडक्ट में शामिल है। सो ये जो रिएक्शन था ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन था और ये हमारे पास स्ट्रिप्स में रिएक्शन था। अब इस रिएक्शन की जो एंड होती है, अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यानी CH4 में से एक हाइड्रोजन के बजाय एक Cl अटैच होता है, अब ये बात ख़त्म होती है इन स्ट्रिप नंबर 3 एंड स्ट्रिप एंड वी कॉल्ड स्ट्रिप नंबर 3 इज व्हाट, टर्मिनेशन फेज।
सो टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, अगर हम देखें तो हमारे पास अभी पिछली स्लाइड पर बन गया सीएल फ्री रेडिकल बन गया था, एक हमारे पास बन गया था सीएच थ्री फ्री रेडिकल। सो जो टर्मिनेशन फेज होती है वो इस तरह का होता है, एक सीएल दूसरी सीएल से दूसरी सीएल के साथ रिएक्शन कर लेता है और बना देता है एक सीएल टू मॉलिक्यूल या एक सीएच थ्री फ्री रेडिकल जो है वो रिएक्शन कर लेता है विद अनदर सीएच थ्री फ्री रेडिकल और हमारे पास बन जाता है क्या CH3 जो हमारे पास क्या है इथेन है। इसी तरह का CH3 इस सीएल से रिएक्शन करेगा और हमारे पास बनेगा एक CH3Cl। सो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था टर्मिनेशन या स्टेप नंबर 3। और ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट्स है। सो अगर आपको कहा है कि जो मैकेनिज्म या आपको कहे कि क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या होते हैं, सो क्लोरिनेशन में प्रोडक्ट में हमारे पास एक सी एल टू बन जाता है, एक ये CH3 यानी मीथेन और एक CH3Cl। सो दीज थ्री आर व्हाट, दीज थ्री आर द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या हो जाती है, ये एक सीएल जो है CH3 के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि जो बाकी हाइड्रोजन है यह ये जगह भी क्या ले लेते हैं, ये जगह भी हाइड्रोजन ले लेते हैं। लाइक रिएक्शन इस तरह का हो जाता है। सो द फर्स्ट स्टेप हमारे पास अगर अगेन हम लिखे तो एक CH4 ने सीएल के साथ CL2 के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास बन गया CH3Cl प्लस HCl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये CH3Cl हमारे पास अगेन रिएक्शन कर लेता है विद CL2 और ये CH3 में से एक हाइड्रोजन के बजाय ये Cl अटैच हो जाता है। सो एक हाइड्रोजन कम हो गया और हमारे पास एक क्लोरीन ज़्यादा हो गया और बन गया HCl। अब ये CH2Cl2 जो है अगेन रिएक्शन कर लेते हैं विद Cl2। सो एक Cl आकर इस हाइड्रोजन के जगह रिएक्शन करेगा, सो एक हाइड्रोजन रह जाएगा और Cl2 ज्यादा होकर 3 बनेगी। सो दिस ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है CH3Cl। अब ये जो CH3 बना है यानी जिसको हम कहते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन, इसका हमारे पास एक अपना एक नाम है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। सो ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। सो अगर आपको कहे कि क्लोरोफॉर्म किस तरीके से बनता है, तो जब क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन हम कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्लोरोफॉर्म बन जाता है और आखिर में जब क्लोरोफॉर्म के बाद एक रिएक्शन और होता है क्लोरीन से, तो ये हाइड्रोजन भी इससे रिमूव हो जाएगा। तो ये जो क्लोरोफॉर्म में CHCl3 के साथ एक हाइड्रोजन है, जब ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा CCl4 प्लस HCl यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, जो हमारे पास 1, 2, 3 और 4 रिएक्शन करें, अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मेन प्रोडक्ट है CH3Cl, CH2Cl2, CH2Cl2 और CHCl3 एंड CCl4। ये प्रोडक्ट हमारे साथ बन गए, ये CHCl3 हो गया, CH2Cl2, दिस इज CHCl3 विच इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। ये याद रखें क्लोरोफॉर्म का फार्मूला डेटा में आता है एंड दिस इज व्हाट CCl4। अब ये जो प्रोडक्ट है ये डिपेंड करते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन CH4। सो अगर हमारे पास CCl2 ज्यादा हो, दो केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, एक वो जब हमारे पास मीथेन एक्सिस में हो और क्लोरीन हमारे पास क्या हो लिमिटेड में हो, कम हो। सो अगर हमारे पास क्या हो CH4 एक्सिस में हो यानी ज्यादा हो, तो क्या करेगा, ज्यादा CH4 ज्यादा CLC रिएक्शन करेंगे और ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3Cl। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ईटा के लिए कि अगर हमारे पास CH4 एक्सिस में हो Cl कम हो तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या CH3Cl। अब अगर हमारे पास CH4 कम है और Cl ज्यादा है तो क्या होगा, Cl ज्यादा है तो ये ज्यादा Cl CH4 पर अटैच करेंगे और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो इन दैट केस क्या बनेगा, ये हमारा रिएक्शन होगा। जब CH4 हमारे पास लिमिटिंग होगा या लिमिटिंग के बजाय मैं रिस्क लिख लेता हूँ और Cl हमारे पास एक्सिस में है, एक्सिस मीन बहुत ज्यादा है, इस रिएक्शन में अगर हमारे पास क्या है Cl2 एक्सिस में है सारी और हमारे पास जो है CH4 लेस है। सो अगर ये रिएक्शन हो रहा है और Cl2 एक्सिस में है और CH4 कम है, तो ज़्यादा Cl जो है ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा
CH4Cl। सो दिस वॉज द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। सो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं, आइदर सी एल टू बनता है या सी एच थ्री विद सी एच थ्री और सी एच थ्री विद क्लोरीन, ये एक तरह का प्रोडक्ट्स बनते हैं। जबकि एक्चुअल में हमारे पास क्या हो जाता है, जब सी एच फोर सी एल सी रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट स्टेप में बन जाता है सी एच थ्री सी एल, और नेक्स्ट में जब ई फर्दर क्लोरीन सी रिएक्ट कर लेता है तो हमारे पास बन जाता है सी सी एल फोर। अब सी एच फोर रिएक्शन कर लेते हैं विद सी एल टू और बनती है सी एच फोर सी एल या सी सी एल टू, पहले ये बनता है, फिर हमारे पास बनता है सी एच टू सी एल टू, फिर बनता है सी एच सी एल थ्री और लास्ट में अब क्या बनता है सी सी एल टू। सो एक ये रिएक्शन है सी सी एल फोर और एक ये रिएक्शन है। अब हम अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सी एच फोर एक्सिस में है ज्यादा है तो हर एक सी एच फोर अपने लिए सी एल लेगा और हमारे पास बनाएगा सी एच थ्री सी एल। अब अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सिस में है ज्यादा है तो तब क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा है तो ये अगर एक सी एच फोर पर अटैच करके उसकी सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बनेगा क्या सी सी एल फोर, देन दिस विल बी द प्रोडक्ट। सो ये टाइम आते हैं कि अगर हमारे पास सी एच फोर एक्सिस में सी एल टू लिमिटिंग में है तो प्रोडक्ट क्या होगा, अगर सी एच फोर लिमिटिंग में है और सी एल टू एक्सिस में है तो तब प्रोडक्ट क्या होगा। सो ये आप याद रखें, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स।